डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन अलीग जीएस क्लासेस। आज के वीडियो में मैं पीएचडी एडमिशन टेस्ट के सिलेबस की बात करूंगा। जिन लोगों को फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में पीएचडी के लिए अप्लाई करनी है, यानी कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं अगर उसमें पीएचडी करनी है, तो उनसे टेस्ट में किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे, खास तौर से फर्स्ट पेपर में यानी सेक्शन ए में। पहली बात है कि इसमें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड और मेथोडोलॉजी के मुतल्लिक सवालात आपसे पूछे जाएंगे। किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं इस सिलेबस को। ये देखिए, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, सिलेबस फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2018-19, सेक्शन ए, रिसर्च एप्टीट्यूड मेथोडोलॉजी। ये पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा, 40 इसमें ओनली ऑब्जेक्टिव सवालात क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और फिर उसके बाद में दूसरी सिटिंग में आपसे 40 सब्जेक्ट स्पेसिफिक सवालात आपसे पूछे जाएंगे। उसमें भी 20 ऑब्जेक्टिव होगा और 20 सब्जेक्टिव होगा। तो आप देखिए, ये सेक्शन ए में जिस चीज से आपके सवालात पूछे जाएंगे, यही इन्हीं चीजों से आपके सवालात पूछे जाएंगे, यही उसका सिलेबस है। सिलेबस में दिया है मेथड्स ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, साइंटिफिक इम्पीरिकल डाटा कलेक्शन, सर्वे, क्वालिटेटिव रिसर्च, इंटरव्यू, केस स्टडी, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, रिसर्च एथिक्स, रिसर्च एथिक्स, प्लेगियरिज्म। नेक्स्ट, थेसिस राइटिंग, चैप्टराइजेशन, पैराग्राफिंग, पंक्चुएशन, पैराफ्रेजिंग, सिटेशन, एनोटेशन, बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स, फिगर्स, वर्बल एनालॉजी। नेक्स्ट, रिलेशंस क्लासिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट। नेक्स्ट, डिडक्टिव रीजनिंग, वेन डायग्राम, इंडक्टिव रीजनिंग, लोकल डायग्राम्स, सिंपल एंड मल्टी डायग्रामेटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, एंड नेक्स्ट, पैसेज टू बी कम्प्रीहेंडेड एंड आंसर द सेट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ये आपका फर्स्ट पेपर का कंप्लीट सिलेबस है, इसी से सवालात आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे। जाहिर सी बात है कि इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी और एप्टीट्यूड के बारे में हर चीजें दी हुई है, ये टॉपिक का नाम है, इसी से आप इसकी आप तैयारी करेंगे। तैयारी के लिए जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन लेवल की बहुत सारी बुक्स आती हैं, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी या उसके या ये एप्टीट्यूड के बारे में जितनी भी ग्रेजुएशन लेवल की किताबें हैं उसमें से देखकर, बहुत सारी किताबें मार्केट्स में मौजूद हैं, कोई भी किताब आप ले लीजिए, जाहिर सी बात है उसमें इस तरह की सारी चीजें मिल जाएंगी। आप थोड़ा सा देख के मिला लीजिएगा कि किसमें ये सिलेबस ज्यादा मिल रहा है, किसमें ये सारी चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा, जाहिर सी बात है एक किताब में ये सारा सिलेबस तो आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन जितनी भी कॉमन चीजें हैं वो जाहिर सी बात है कि हर बुक्स में होगी। अब यहाँ पे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स, फिगर्स, वर्बल एनालॉजी, रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन, इस तरह की जो चीजें हैं, वेन डायग्राम, इंडक्टिव रीजनिंग, ये सभी रीजनिंग की किताब में आपको अवेलेबल है। तो आप सिलेबस को सामने रख कर वही किताब लीजिए जिसमें आपका सिलेबस ज्यादा कवर हो रहा है, और कोई एक किताब कंसल्ट करके उससे प्रैक्टिस करिए, तो यकीनन आपको उससे बहुत फायदा मिलेगा। जाहिर सी बात है कि बहुत ये होता है कि बहुत सारे लोग दसियों किताब से प्रैक्टिस करते हैं, पता चला कि थोड़ा इस किताब से थोड़ा उस किताब से, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। कोई भी एक बुक आप खरीदिए जिसमें ज्यादा ये सिलेबस आपका कवर हो रहा हो, और उससे उस किताब की जितनी भी उसमें एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस
पेपर है उसको पूरी तरह से आप कर जाइए, जितने भी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही इसमें महारत हासिल होगी और ज्यादा से ज्यादा सवाल का आप जवाब दे सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से आपको काफी जानकारी और मदद मिलेगी। तो इसे आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।